जी वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में ये जो मोबाइल है ये है वीवो का Y90। इसका डिस्प्ले पैनल जो है ये देख लें, यहाँ से गिरा और मुकम्मल डिस्प्ले पैनल जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका जो है डिस्प्ले पैनल जो है वो चेंज करूँगा और चेंज करने का तरीकाकार भी आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो है हम इसका सिमटर टूल जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। ये देख लें, सिमटर टूल बाहर आ चुका है। अब हमने एक अदद फ्लिपर लेना है और फ्लिपर की मदद से ये वाली बैग जो है बैक पैनल इसको जो है सेट से सेपरेट करना है। यहाँ से इसकी सिम ट्रे होती है, वहाँ से आपने जो है फ्लिपर को अंदर जो है इसके दाखिल कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए इसके चारों तरफ पे जो है आपने इसके जो है घुमा देना है ताकि इसका बैक पैनल जो है वो इजीली सेपरेट हो जाए। ये देख लें, इसका बैक पैनल जो है काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है। अब मैं जो है इसको फाइनल ओपन कर दूँगा और इसके बैक पैनल को जो है सेट से सेपरेट करूँगा। ठीक है, ये देख लें, ये हमारा बैक पैनल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ये वाले पेज जो लगे हुए हैं इनको हमने एक एक करके जो है खोल लेना है। ठीक है जी, और ये खोलने के बाद आपने जो है इसकी ये वाली फिटिंग भी जो है सेट से सेपरेट कर लेनी है। ठीक है, ये सेपरेट हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है बैटरी की स्ट्रिप को सेपरेट करना है और उसके बाद डिस्प्ले की स्ट्रिप को सेपरेट कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि इसकी बैटरी को जो है सेट से बाहर निकालना है। ये देख लें, इसकी बैटरी जो है ऑलरेडी निकली हुई थी, ये जो है इजीली जो सेट से बाहर आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला पेपर हटाना है और इसकी डिस्प्ले की स्ट्रिप को जो है बाहर निकाल लेना है क्योंकि ये हमारा पैनल डैमेज है, इसमें इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। हम जो है इसको जल्दी से जो है सेट से सेपरेट कर लेते हैं। ये देख लें, यहाँ से जो है हम पेपर डालेंगे और इसको जो है जैसे हमने बैक की तरफ चारों तरफ पे घुमाया था, हमने जो है पैनल की तरफ भी जो है चारों तरफ पे हमने जो है घुमा देना है और इसके डिस्प्ले पैनल को जो है सेट से सेपरेट कर लेना है। ये देख लें, हमारा पैनल जो है सेट से सेपरेट हो चुका है। अब हमने रिंग की कुछ जो है क्लीनिंग कर लेनी है, इस पर जो गम वगैरह लगी है वो सेपरेट कर लेनी है और उसके बाद जो है हम नए वाला पैनल जो हमने ये मंगवाया था इस पैनल के सेट के लिए, इसमें जो है ये वाला पैनल हम फिटिंग करेंगे। रिंग जो है हमने ये देख लें काफ़ी नीट एंड क्लीन कर लिया है, तो अब हम जो है इसमें ये वाला पैनल जो है इसमें फिटिंग करेंगे और आपको जो है इसका डिस्प्ले भी चेक करवाएंगे और इसको ऑन करके जो है इसका डिस्प्ले भी दिखाएंगे। अब हम जो है डिस्प्ले की चिप जिस तरीके से हमने सेट से निकाली थी उसी तरीके से हम जो है इस बोर्ड में दोबारा लगा देंगे। ये देखना, चिप लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये बैटरी ठीक है इस सेट में दोबारा उसी तरीके से लगा लें जिस तरीके से हमने जो है सेट से निकाली थी। अब वही फिटिंग जैसे हमने सेट की फिटिंग खोलने से पहले जो खोली थी उसी तरीके से हम जो है दोबारा सेट में लगाएंगे और इस पर ये मुतलका इसके नट पेज जो हैं वो भी लगा देंगे। और पेज लगाने के बाद हम जो है फाइनली इसका बैक कवर जो है जिस तरीके से हमने पहले सेट से खोला था उसी तरीके से हम जो है ऐसा ऐसा करते हुए इसके बैक कवर को जो है इस सेट में फिटिंग कर देंगे। ठीक है जी, ये देख लें, हमने पैनल अभी तक फिट नहीं किया लेकिन हम जो है इसका बैक रिंग फिटिंग करने के बाद लास्ट में जो है हम इसका जो है पैनल फिटिंग करेंगे। अब इसका सिमटर टूल जो है वो सेट में उसी तरीके से डाल देते हैं जिस तरीके से हमने सेट से बाहर निकाला था। अब जो है ये सिमटर टूल डालने के बाद सेट को जो है मैं ऑन करता हूँ और इसका डिस्प्ले चेक करता हूँ कि इसका डिस्प्ले ओके है या नहीं। ये आप देख लें, इसका डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल ओके हो गया और सेट बिल्कुल ऑन हो रहा है। ये देख लें, रोशनी के बगैर जो है सेट बिल्कुल ओके हो रहा है। अब मैं जो है इसका डिस्प्ले वगैरह जो है चेक करूँगा, उसके बाद जो है रबड़ गम लगा के ये वाली गम उसके बाद इस पर दो तीन रबड़ लगा के छोड़ दूंगा 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद जो है आप मोबाइल जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।